दिल्ली के बाद पंजाब में लुधियाना के कोर्ट परिसर में ब्लास्ट होने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में लुधियाना के कोर्ट परिसर में ब्लास्ट होने की खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और वहीं दूसरा जख्मी है। आपको बता दें, धमाके की आवाज सुनकर लोग सकते में आ गए, वहां पर अफरा तफरी मच गई और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धमाका कैसे हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। पंजाब में लुधियाना के कोर्ट परिसर में ब्लास्ट होने की खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। धमाके की आवाज जब वहां पर लोगों ने सुनी तो वहां पर अफरा तफरी मच गई, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर धमाका कैसे हुआ है। फिलहाल वहां पुलिस मौके पर पहुंच गई है और ब्लास्ट परिसर के तीसरे फ्लोर पर यह धमाका हुआ है। आपको बता दें, धमाका किस चीज का था यह अभी साफ नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक यह ब्लास्ट लुधियाना कोर्ट की कॉपी ब्रांच में हुआ है। फिलहाल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही है, इसलिए कोर्ट में ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। इस वक्त की बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो पंजाब से निकलकर सामने आई है, जहां पर पंजाब में लुधियाना के कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा जबकि घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें, जबरदस्त धमाके ने 6 मंजिला इमारत को हिलाकर रख दिया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका कोई बम ब्लास्ट है या सिलेंडर फटा है। कोर्ट के बाथरूम में धमाका हुआ है, ये चश्मदीद का कहना है। आपको बता दें, लुधियाना कोर्ट में जोरदार धमाका हुआ है। आखिरकार कोर्ट परिसर में सुरक्षा की चूक कैसे हुई, ये कई तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कोर्ट परिसर की 3 मंजिल पर ये जोरदार धमाका हुआ है और 6 मंजिला इमारत को इस धमाके ने हिलाकर रख दिया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये कोई बम ब्लास्ट है या सिलेंडर फटा है, इस पर अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे। लुधियाना के कोर्ट परिसर से ये खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर ब्लास्ट होने की खबर है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। धमाके की आवाज से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है और पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस छानबीन में जुटी है। काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें, एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा अभी जख्मी बताया जा रहा है।